दीपावली के बाद बढ़ते प्रदूषण के चलते भिवानी के सामान्य अस्पताल में भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है। सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सिंह शांडिल्य ने बताया कि दीपावली के बाद बढ़ते प्रदूषण के कारण अस्थमा संबंधित और हृदय संबंधित मरीजों की संख्या बढ़ी है। वहीं उन्होंने बताया कि एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ाने के कारण आँखों में जलन और सांस लेने में ज़्यादा तकलीफ मरीजों को हो रही है। उन्होंने बताया कि दीपावली की छुट्टी के बाद आज अस्पताल खुलने से ओपीडी में भी मरीजों की संख्या बढ़ गई है। डॉक्टर रघुवीर सिंह शांडिल्य ने बताया कि बढ़ते प्रदूषण के कारण मनुष्य की आयु 10 से 15 साल कम हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि निमोनिया से संबंधित बच्चों के भी केस सामने आ रहे हैं। कहा कि मानव जाति सर्वश्रेष्ठ बताई गई है, लेकिन इससे जो कार्य है पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाने का, वह बहुत ही घिनौना है। उन्होंने कहा कि अगर मनुष्य समय पर नहीं समझा तो पर्यावरण प्रदूषण ही मनुष्य की जीवन और मृत्यु का कारण बनेगा। इस समय दिवाली के बाद हमारे रेस्पिरेटरी के जो मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ती आती है। इसमें अस्थमा का एक्यूट एक्जर्बेशन, COPD, एम्फाइसीमा, ब्रोंकाइटिस और बच्चों में निमोनिया के केस की संख्या बढ़ जाती है। इसमें क्योंकि AQI हमारा 300 से ज़्यादा हो गया, तो इसमें सारा पोल्यूशन के जो कारण हैं वो ह्यूमन बींग ही होते हैं। तो हमने अपना विचार बदलना चाहिए कि हम कूड़े को जलाएँ नहीं, धुआं ना फैलाएं। इसमें जो पटाखे हैं, क्रैकल्स हैं, उसका प्रयोग होने के कारण आवाज़ का पोल्यूशन और ध्वनि के साथ साथ में एयर पोल्यूशन और सॉयल का भी पोल्यूशन होता है। तो हमें त्योहारों के समय खासकर ध्यान रखना चाहिए कि हम इसको वातावरण को ना बिगाड़ें और इसका अपना स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें। इसमें जो AQI ज़्यादा हुआ है, इसके लिए हमारा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी बहुत 10 से 12 साल कम हो गई है। अगर मानव जाति जो है सभी जीवों में सबसे सर्वश्रेष्ठ जाति बताई गई है, लेकिन इसके जो कार्य है पर्यावरण के दूषित करने के, वो घिनौने हैं अपने आप को। अभी अगर समय पर ये मानव जाति नहीं सुधरी तो हमारे लिए पर्यावरण ही हमारी लाइफ और डेथ का सवाल बन जाएगा। इस समय दिवाली के बाद हमारे रेस्पिरेटरी के जो मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ती आती है। इसमें अस्थमा का एक्यूट एक्जर्बेशन, COPD, एम्फाइसीमा, ब्रोंकाइटिस और बच्चों में निमोनिया के केस की संख्या बढ़ जाती है। इसमें क्योंकि AQI हमारा 300 से ज़्यादा हो गया, तो इसमें सारे पोल्यूशन के जो कारण हैं वो ह्यूमन बींग ही होते हैं। तो हमने अपना विचार बदलना चाहिए कि हम कूड़े को जलाएं नहीं, धुआं ना फैलाएं। इसमें जो पटाखे हैं, क्रैकल्स हैं, उसका प्रयोग होने के कारण आवाज़ का पोल्यूशन और ध्वनि के साथ साथ में एयर पोल्यूशन और सॉयल का भी पोल्यूशन होता है। तो हमें त्योहारों के समय खासकर ध्यान रखना चाहिए कि हम इसको वातावरण को ना बिगाड़ें और इसका अपना स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें। इसमें जो AQI ज़्यादा हुआ है, इसके लिए हमारा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी बहुत 10 से 12 साल कम हो गई है। अगर मानव जाति जो है सभी